पुत्र की प्रवृत्ति कैसी है, पुत्र धर्मवान है या अधर्मी है, इसका निर्णय माता से होता है। यदि पुत्र संस्कार विहीन है, चरित्र विहीन है, तो इसमें मां की गलती है। और यदि पुत्र धनवान नहीं है तो उसमें पिता की गलती है। धर्मवान नहीं है तो पिता की गलती है, क्योंकि मां संतान को संस्कार देती है और पिता उसको धन और धर्म करना सिखाता है। दोनों का अलग अलग काम है। आज भारत की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि हर मां बाप दुखी है अपनी संतान से? क्यों? क्या बच्चों का दोष है? नहीं, मां बाप का दोष है। क्यों? क्योंकि मां बाप ने अपना कर्तव्य भली भांति रूप से नहीं निभाया, इसलिए संतान से अब दुखी हो।